इफिसियो 4:17-32 तक हम वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए है और वह सुन होकर लुचपन में लग गए है कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए चाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वावट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुम से दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं मसीह में नया जीवन हम जीना है करके इसके बारे में पौलुस यहाँ बताते हुए हम देख सकते हैं। 17 में हम देख रहे हैं, और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञान के कारण वह जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए है, ऐसा करके यहाँ वो बता रहा है। जैसा अन्य जाति लोग जी रहे हैं आज हम देख रहे हैं, अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, दुनिया के लोग, लोग क्या कैसे जी रहे हैं, जो अपना मन के विचार के अनुसार अंधकार में वो लोग चलते हैं। उनके लिए एक मकसद नहीं है, उनके लिए एक बुलावट नहीं है, इसलिए वो लोग जैसा उनका इच्छा है वैसे वो लोग चल रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं है, पहले हम भी ऐसा ही था, हमारे लिए एक आशा नहीं था, परमेश्वर नहीं था, महिमा नहीं थे, हम भी दूर थे, ऐसे ही हमारा जीवन भी एक व्यर्थ जीवन था, अनिरीधि पर हम भी विचार करते थे, हम भी ऐसे चलते थे। लेकिन अभी देखिए, अभी हम मसीह में हम नया जीवन पाया है। ये सुसमाचार का ज्योति हमारा हृदय के अंदर प्रकाश हुआ है, आज हमने ज्योति पाया है, आज हम परमेश्वर का जीवन को पाया है, अभी हम मसीह में हम आ गया है, नया जन्म पाया है, अभी हमारा आत्मा में हम नए सृष्टि हो गया है, इसलिए पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। अभी परमेश्वर का
स्वरूप में बनाया गया इस नया मनुष्य को हमको पहनना है। यही यहाँ पौलुस बता रहा है। पुराना मनुष्य वो क्या है? भरमाने वाला, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। इसके लिए उसको वो नाश की ओर लेके जाएगा, वो मृत्यु की ओर लेके जाएगा। इसके लिए उसको हमको क्या करना है? उतार डालना है। लेकिन अभी हमको परमेश्वर का स्वरूप में बनाया हुआ 24 में हम देख रहे हैं, और नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। देखिए, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है, सत्य की धार्मिकता के और पवित्रता में सिरजा गया है। अभी हम लोग नए सृष्टि बन गया, तब हम ऐसे ही हमारा जीवन रहना चाहिए। अभी हमारा चाल चलन में ऐसे रहना चाहिए। अभी हम पवित्र किया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए, अभी हम नए सृष्टि है। यही यहाँ लिखा रहा है, पुराना अभिलाषाओं को, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। वो अंधकार से भरा हुआ है, उसके लिए कुछ मकसद नहीं है। वो जो मन मर्जी वो चाहता था वो करता था, उसमें कुछ भी फल नहीं रहता है। लेकिन अभी हम फल देने वाला जीवन कैसे हम जी पाएंगे? परमेश्वर का जैसा सृजा गया, उनका स्वरूप में बनाया गया, वो नए सृष्टि को हम पहनने से हम फलदायक जीवन जी सकते हैं। हम उनके साथ जुड़े रहना है, हमारा हर एक चाल चलन में उनका जीवन को हम प्रकट करना चाहिए। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हम हर एक चाल चलन में हम पवित्र बनना है। हमारा मन का कमर कस बांध कर हर दिन हम आगे बढ़ना है। यहाँ हम दुनिया में हम देख रहे घोर अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन हम मसीह में नए सृष्टि है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ मसीह का गुण, मसीह प्रकट होना चाहिए। लोग, क्योंकि वचन में लिखा है तुम दुनिया का ज्योति हो, जैसे मसीह इस जगत की ज्योति बनकर आया, आज वो ज्योति हमारे अंदर आने के द्वारा आज हम भी इस दुनिया का ज्योति बन गया। इसलिए हम चमकना है। हम अंधेरा में नहीं है, अभी हमारा मन, हमारा बुद्धि अंधकार में नहीं है। पहले हम परमेश्वर का जीवन से हम दूर थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर का जीवन को हमने पाया है। अभी हमने परमेश्वर से जन्मा है, अभी उनका जीवन आपके अंदर है, मेरे अंदर है। इसलिए अभी हम दुनिया के ऊपर, पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर हम जय पा सकते हैं। हम जय पाने वाले लोग हैं, क्योंकि मसीह इस दुनिया में आया, हमारे जैसा दुख परीक्षाओं में गुजरते हुए गया, हर परीक्षाओं में वो जय पाया। इब्रानियों 4 में हम देख रहे, इब्रानियों 2 अध्याय में हम देख रहे, वो जय पाया। इसलिए हम भी जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आज हमें मिला है। हर एक दिन हमारा चाल चलन में प्रभु को, यीशु को हम प्रकट करने वाला बनना है। हमारा बोलने से, हमारा सोचने से, हमारा चलने से, हमारा कामों से प्रभु को हम प्रकट करना है। हम उद्धार पाए हैं, फिलिपियों 2:10 में हम पढ़ते हैं। किसके लिए हम उद्धार पाए? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अभी हम भले काम करने के लिए सृजा गया है, अभी हम नए सृष्टि हो गया है, अभी हम भले काम करने वाला बनना चाहिए। जैसा अभी मसीह के बारे में हम देख रहे हैं, वो हमेशा भलाई करते रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर था, परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए वो कहीं भी जाता था, दुष्ट आत्मा को भगाता था, भलाई करते रहा। आज हम भी भलाई काम करने के लिए सिरजा गया है। इसलिए हमारे हर एक चाल चलन में परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, उनका महिमा प्रकट होना चाहिए। हमारा मन में यही जो विचार से आप भरे हैं, वही आपका चाल चलन में प्रकट होगा। अगर आपका मन में पुराना अभिलाषाओं से, पुराना इच्छाओं से आपका मन पूरा भरा रहेगा, आपका बातों से वही निकलेगा। जो आपका हृदय में भरा हुआ है वही आपका बाहर आएगा, आपका मुंह से वही निकलेगा।
झूठ से आप भरे तो पुराना मनुष्य क्या है, झूठ से, शैतान तो झूठ से भरा हुआ है। वैसे हम भी झूठ बोलते हुए, झूठ में हम भरे हुए थे, इच्छा में, गंदगी से, ऐसे हम भरे हुए थे। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं है, अभी हमारा नया सृष्टि हम बन गया, उसी विचारों से हमारा मन को हम भरना है। मैं मसीह में, परमेश्वर का धार्मिकता में, सच्चाई में, पवित्रता में सृजा गया हूँ, वही मेरा अंदर है। ऐसे आप आपका मन को भरेंगे, जरूर आप अपने पड़ोसी से आप सच्चाई को बोलेंगे, आप परमेश्वर का सच्चाई वचन के अनुसार आप चलने लगेंगे, आप प्रेम से चलने लगेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम में हम जड़ पकड़े हैं, मसीह का जीवन को हमने पाया है, जरूर हम उसी को ही हम प्रकट करने वाला बन जाएंगे। हर दिन आपका बातों में गुस्सा देखिए, गुस्सा भी यहाँ लिखा है, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। वो गुस्सा क्या नहीं होना चाहिए, गुस्सा को अंदर रखते 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 जलन, कड़वावट, नफरत, ये सब अंदर आना नहीं चाहिए। ऐसे ये सब अंदर भर जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, शैतान के लिए मौका मिल जाएगा। यहाँ ऐसा ना रहो, हम नए सृष्टि का चाल चलना है, ये यहाँ पौलुस बता रहा है। हर दिन आप शारीरिक विचार से नहीं है, शारीरिक अनुसार जीने के लिए अभी हम शरीर का कर्जदार नहीं है, अभी हम आत्मा में नए सृष्टि बन गया। हर दिन हमारा विचार में यही भरा रहना चाहिए, हमारा चाल चलन में यही होना चाहिए। आत्मा का विचार जीवन और शांति है, हमारा विचार में जीवन रहना चाहिए, हमारा विचार में मृत्यु, हरावट, ये सब नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं मृत्यु और जीवन, प्रभु परमेश्वर कहा ये दोनों मैं आपका सामने रखता हूँ, श्राप आशीष ये दोनों को मैं रखता हूँ। वैसे नए सृष्टि पुराना सृष्टि है, अभी हम आत्मा में तो नया जन्म हो गया, लेकिन अभी हमारा मन में क्या करना है उसको हम पहनना है, विचार में भरना है। चुनने का अधिकार प्रभु हमें दिया है, अभी हमको चुनना पड़ेगा, जीवन को चुनना पड़ेगा। व्यर्थ विचार पूरा कुछ मृत्यु से, हरावट से, पाप से, गंदगी से भरा हुआ इस विचारों को आज हमारा मन से हटाना पड़ेगा। मैं नया हो गया हूँ, मैं नई सृष्टि बन गया हूँ, उसी विचारों से हर दिन हम भरते 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 वो क्या हो जाएगा, हमारा बोलने में, चलने में पवित्रता प्रकट होने लगता है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला वो सच्चा है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है। जैसा वह है वैसे हमको भी चलना चाहिए, हर दिन वो प्रकट होना चाहिए, उनका जीवन की खुशबू, हम जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ खुशबू आना चाहिए, क्योंकि नया सृष्टि में पवित्रता, सच्चाई, धार्मिकता यही है। ये जहाँ रहेगा वहाँ जरूर मसीह का खुशबू प्रकट होगा। लेकिन पुराना सृष्टि में वो क्या है, भरमाने वाला अभिलाषा, सड़ने वाला चीज, बदबू देने वाला बात पुराना सृष्टि में है। वो रहेगा वहाँ जरूर लड़ाई, झूठ, क्रोध, ये सब प्रकट होगा। ये यहाँ पौलुस बता रहा है, उसको उतार डालो, वो हमें जरूरत नहीं है। नए सृष्टि को पहन लो, सुबह उठते हुए हमको ही पहनना पड़ेगा, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हर समय देखिए, हर परिस्थिति में हमको आता है कौन सा स्वभाव को हमको बाहर लेके आना है। कभी कभी हमें भी आता है, झूठ बोलने का परिस्थिति आता है, लेकिन यीशु मसीह हमको मदद करता है, वो हमारा सगायक है, हमारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर से हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम एक मकसद के लिए हम बुलाए गए, हमारे ऊपर हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमारे लिए एक मकसद है। अभी हम दौड़ रहे हैं, जैसा पौलुस कहता है फिलिप्पियों 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 14 वचन में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा बुलावट है ऊपर का बुलावट है। अभी हम यहाँ खाएं पिए मरे बस इतना ही हमारा जीवन नहीं है, हम अनंत जीवन हमें मिला है, हम अनंत काल तक रहने वाले वही जीवन हमें मिला है। आज हमारा विचार में उसी को हमको भरना पड़ेगा। जो नाश होने वाला मुकुट के लिए लोग क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या क्या अपना शरीर को कितना लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज हम नए सृष्टि है, हमारे लिए मुकुट रखा है, जीवन की मुकुट रखा है, इसके लिए हम उसके और हम दौड़ते हैं। हमारे दिन मसीह को हमारा आगे रखते हुए हमको दौड़ना चाहिए,
वो जैसा है वैसे ही मैं हूँ, उनको मैं पहना हूँ, उनको मैं पहनी हूँ, जैसा वो जाई पाया वैसे ही मैं भी जाई पाऊँगी, जाई पाऊँगा करके हर दिन हमको चलना चाहिए। हमारा बोलने में उनका अनुग्रह का प्रकट होना चाहिए, उनका अनुग्रह प्रकट होना चाहिए, उनका जीवन प्रकट होना चाहिए, उनका सच्चाई प्रकट होना चाहिए। हम हमेशा हमारे हृदय में सच्चाई से भरे रहेंगे, हम एक दूसरे से सच्चाई से हम चलेंगे, सच्चाई हम बोलेंगे। बस इतना ही नहीं है, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा को भी तुरंत हमको क्या करना चाहिए, शाम तक उस गुस्सा को हमको ठंडा होना चाहिए, उसको गुस्सा को जल और भी हम बढ़ाना नहीं चाहिए। वो बढ़ने से क्या होता है, वहाँ आग जलने लगता है, तब वो शैतान के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन खड़वावट को दूर कीजिए, गुस्सा आता है परमेश्वर का निमित्त, पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए जो गुस्सा आता है वो सही है, लेकिन कोई व्यक्ति के ऊपर उनको देखते हुए आप उसके ऊपर गुस्सा ना करना, उसका पीछे जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है उसको नफरत करते हुए उसको हमको तुरंत माफ़ करना है। प्रभु उस व्यक्ति को मैं माफ़ कर रहा हूँ, उनका पीछे जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है उसको मैं नफरत करता हूँ, उसका गंदा काम को, गंदा बातों को मैं नफरत करता हूँ करके आप उसको नफरत करना चाहिए, उसको आपका मन से हटाना चाहिए। आप उसको जीवन की सोता आपके अंदर है वो आप ठंडा कर दीजिए, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि आपका विचार में अनर्थ विचार हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर जीवन और शांति से भरा हुआ आत्मिक लोग है, आत्मिक विचारों से हम भरा रहना चाहिए, प्रभु का प्रेम में भरा रहना चाहिए। जैसा मसीह है वैसे हम है करके हर दिन हमको चलना चाहिए। वैसे ही हमारा गंदे बात, अविश्वास की बात, घमंड की बात हमारा मुँह से ना निकले। आपका इस बातों को जो सुनते हैं, आपका बातों को सुनने वाला का जीवन में एक उन्नति आना चाहिए, एक जागृति आना चाहिए, वो लोगों को जीवन में भी एक बढ़ोतरी होना चाहिए, उनका जीवन बांधना चाहिए। ऐसे शब्द को आपको मुंह से आपको कहना चाहिए, लेकिन आपके मुंह से एकदम गंदे बात आते रहेगा तब सुनने वाला का जीवन में बढ़ोतरी उन्नति नहीं होगा। आपका मुँह से निकलने वाला हर एक शब्द यीशु को प्रकट करना चाहिए, सच्चाई को प्रकट करना चाहिए, विश्वास को बढ़ाने वाला शब्द आपका मुंह से आना चाहिए। इसलिए पुराना सृष्टि वो क्या करता है, जो मन में बात होता है उसको क्या करता है, बड़बड़ करते रहता है, घमंड करता है। लेकिन हम मसीह को ऐसा नहीं सिखाए, हम मसीह से क्या सिखाए, सच्चाई को सिखाए, नम्रता को सिखाए, अनुग्रह को सिखाए, तब उसी को हम प्रकट करना चाहिए, प्रेम को सिखाए, हम उसी को ही जो हमने पाया उसको हमको देना चाहिए। हमारे पास जो भी लोग आ रहे सुन रहे हैं, इसलिए हमारा शब्द में सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ जैसा पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, बिना मतलब से कोई लोग वाद विवाद करते उसी बातों में भी आपको नहीं जाना चाहिए। आपका मुँह से ऐसे समय को व्यर्थ करने वाला उसमें लाभ नहीं है। कोई लोग कुछ वचन को लेकर भी आपसे वाद विवाद करेंगे, वही यहाँ पौलुस 15 अध्याय में बोलता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 32-33 में, मतलब वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग बोल रहे मसीह नहीं, जीव नहीं उठा, ऐसे ऐसे करके बातों को लेकर वहाँ वाद विवाद हो रहा है। वही यहाँ पौलुस बता रहा है, वन पशुओं से मैं लड़ा, वो क्या लाभ हुआ, कुछ भी लाभ नहीं है, उसी में से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ है। इसलिए वो उसके बाद वो वचन को 33 में वही वचन को कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे ही बातों में वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, आपका व्यर्थ नहीं करना, यही यहाँ पौलुस बता रहा है। ऐसे वाद विवाद करना, लड़ाई करना, घमंड करना, ये बातों में हमें उन्नति नहीं मिलेगा, सुनने वाला कभी उन्नति नहीं मिलेगा। हर एक हमारा शब्द को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अभी मसीह में, अभी हम धर्मी बन गया, नए सृष्टि बन गया, अभी हमारा वोटों के द्वारा अनेक लोगों को आशीष का कारण होना चाहिए। हमारा शब्द, हमारा मुंह से निकलने वाला अच्छे बात, जीवन की बात, ऐसे एक
सोना के समान रखा हुआ एक फल के समान होना चाहिए। हम परमेश्वर से बने रहेंगे, उनका जीवन के साथ हम जुड़े रहेंगे, वो फल प्रकट होगा। सच्चाई का फल, धार्मिकता का फल हमारा मुंह से प्रकट होना चाहिए। जो सुनने वाला उन्नति पाना चाहिए, अनुग्रह पाना चाहिए। कुलोशियो 4 अध्याय में हम वचन देखते हैं, कुलोशियो 4:6 में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सही उत्तर को देने के लिए हमारे मुंह का शब्द में जीवन, सच्चाई, अनुग्रह रहना चाहिए। झूठ का वो क्या होता है, 1 मिनट में झूठ वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा वोटों से सच्चाई रहेगा, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। इसलिए आप जो भी आप कर रहे हो आपका काम में, आप मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है चोरी ना करें, दूसरे का पैसा को लालच ना करें, चोरी ना करें। आप दूसरे को देने वाला बन जाए, भलाई करने वाला बन जाए, क्योंकि उसके लिए हम सृजा गए, इसलिए हम काम करेंगे, उसके द्वारा मिलने वाला आशीष को हम भी पाएंगे, दूसरे को भी हम आशीष देने वाला बन जाएंगे। चोरी ना करो मतलब सिर्फ केवल पैसा को ही नहीं है, आप दूसरे को समय को, दूसरे को चीज को, दूसरे को शांति को चोरी ना करें, दूसरे का आनंद को, खुशी को चोरी ना करें। हमेशा आप उनको सहायक बनाए, उनका जीवन को बनाने वाला बनना चाहिए, तोड़ने वाला ना रहना चाहिए। इसलिए आप एक दूसरे के ऊपर कुछ कड़वा बैठे उसको माफ़ कर दीजिए, उसको तुरंत तुरंत आपका मन से हटा दीजिए, वो जड़ पकड़ने मत दीजिए। आप मसीह का प्रेम में जड़ पकड़े, उसका पवित्र आत्मा को आपने पाया है, छुटकारा का दिन के लिए जो पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लगा हुआ है, उस पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है, हर दिन आपको पवित्र बनाता है। जैसा रोमियो 8:11 में हम लिखे है, हमारा मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारा नश्वर देह को भी वो जिलाता है, हर दिन हमें मदद करता है, सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है, मेरे अंदर है। उसका बातों को हम सुनना चाहिए, उसका दुख देने वाला नया रहना चाहिए। हमेशा देखिए, जैसा उत्पत्ति का 6 अध्याय में इस तरह से वचन लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य के आत्मा से नहीं लड़ेगा करके, क्योंकि हमारा मन में एक युद्ध जैसा होता है हर दिन, ये दोनों हमारे सामने, नए सृष्टि पुराना सृष्टि, हम कैसे किसको पहनना चाहिए, दोनों कोट आपके सामने रखा है, आप मसीह को पहनना चाहिए। अबिल जो सड़ने वाला पुराना सृष्टि को आप उठाकर फेंक दीजिए, उतार डालो, वो नहीं चाहिए, वो कचरा है, ये दुनिया के बाद दुनिया के लालच वो दुनिया के ओर खींचेगा, ये ऊपर के ओर खींचेगा, यही नया सृष्टि है। हर दिन इसको हम पहन कर आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा का हम खुश देने वाला रहना चाहिए। इसराइल लोगों को जैसा बात नहीं मानते तो लोग परमेश्वर का हमेशा विरोध करते थे, हम ऐसा ना रहे, हम नए सृष्टि है हमारे अंदर, अभी पत्थर का दिल को परमेश्वर हटाया, अभी मांस से भरा हुआ नया हृदय आज हमें मिला है, अभी पवित्र लघु से तुरंत हम जो भी गलती कर रहे हैं, किसके ऊपर हमको कड़वावट गुस्सा जलन आ रहा है, तुरंत तुरंत उसको हम हटाना है, साफ करना है, हम ताजा रहना है। हर दिन नया अनुग्रह, नया बल, बल के ऊपर बल, प्रेम के ऊपर प्रेम, महिमा के ऊपर महिमा पाते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। माफ़ कर दीजिए, मसीह हमको स्वीकार किया, मसीह में परमेश्वर हमको माफ़ किया, वैसे हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, माफ़ करना चाहिए। हम जितना माफ़ करते रहेंगे पवित्र आत्मा खुश होते रहेगा, पवित्र आत्मा को हम खुश करने वाला बनना चाहिए। वो हमेशा हमसे लड़ते लड़ते दुख में वो ना रहना चाहिए, पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा ये ना करो, लेकिन फिर भी हम उसको करते हुए उसको दिल को उसका दुख देने वाला हमको ना रहना है। हमेशा पवित्र आत्मा को आप खुश कीजिए, आप नए सृष्टि को पहन कर नया जीवन का चाल चलन मसीह का जैसे ही होना चाहिए। हम ऐसे ही चलेंगे, जरूर हम प्रभु के महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आज इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, हमको छुटकारा दिया, अब जीवन दिया, धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।